पापा जी, मम्मी जी और बच्चे बच तो जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा मेरी रिनू को और मेरे बच्चे को। फिर से यहां आ गया ये कमीना। अब पता नहीं कौन सा नया कंफ्यूजन क्रिएट करने आया है। पापा जी, वही तो मैं प्रीति को समझा रहा था। रो रो के बुरा हाल कर दिया उसने अपना। एक ही चीज की रट लगा के बैठी, मम्मी जी बच तो जाएंगी, मम्मी जी ठीक तो हो जाएंगी। वो तो जिद करने लगी हॉस्पिटल आने की। बच्चों का वास्ता देकर मैंने उसको घर छोड़ा है। अरे याना, ये तो रानी की फोटो है। मम्मी जल्दी आओ। और ये है अब तक की सबसे बड़ी खबर जो कि आ रही है आगरा से। यहाँ रहने वाली एक सिंपल सी हाउसवाइफ रेणुका तिवारी अचानक से ही चर्चा का विषय बन गई। हम आपको बता दें कि रेणुका तिवारी दो बड़े बड़े बच्चों की माँ है और प्रेग्नेंट है, और आगरा के ही एक अस्पताल में आज उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया का 7वां केस है जब किसी महिला का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन प्रेगनेंसी के दौरान किया जाएगा। हर किसी की नजर इस बात पे टिकी है कि क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। हम आपको बता दें कि अगर ये सर्जरी कामयाब हुई और इस केस में चच्चा और बच्चा दोनों ही सरवाइव कर गए तो इस वर्ल्ड में ये चमत्कार केवल दूसरी बार कहलाएगा। यही इस केस की इंटरेस्टिंग और यूनिक बात है। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाबा जी, परेशान मत, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। इस बच्चे का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज गॉड, इस बच्चे को बचा लेना। डॉक्टर, कैसी है नव्या? नव्या, डोंट वरी मिस्टर तिवारी, गुड न्यूज आनी स्टार्ट हो गई है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अभी सिर्फ ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन बाकी है। लेट्स विश कि आपकी वाइफ की बॉडी और बेबी दोनों इस नए किडनी को एक्सेप्ट कर लें। थैंक यू डॉक्टर। मम्मा, रानी को क्या हुआ है? वो हॉस्पिटल में क्यों है? मुझे भी उसके पास जाना है। मैं ले जाऊंगी जल्दी। हाँ मम्मी। हा? रानी तो बहुत फेमस हो गई है, पर उन्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बेटा। यश बेटा, तेरी रानी को कछु भी नहीं हुआ है। अरे वो तो बहुत बहादुर है, देखना अभी जल्दी से वापस आ जाएगी एकदम ठीक होकर। चलो हम भगवान जी से प्रार्थना करें तेरी रानी के लिए। बोल, चल चल। प्लीज भगवान जी, मेरी रानी को ठीक कर दो। हाँ किसान,
मारी रानी को ठीक करता। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, ये सब कह के मुझे गैर मत बनाइए। और अगर कल को मेरा बच्चा होता तो क्या आपकी गोद में नहीं खेलता? खेलता ना तो बस ऐसे, जब आपका ये बच्चा होगा तो मेरी गोद में भी तो खेलेगा ना, क्या ही फर्क है? आपको इस सब के लिए कोई संकल्प लेने की या लीगल एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे रिटर्न में देना होगा कि आपको और मम्मी का ये बच्चा मेरा यानी आदित्य मुकुंद तिवारी और उसकी पत्नी नव्या तिवारी का लीगली होगा। जी तुम्हारी सोच है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो हमारा फैसला है और हम अपने फैसले पे अटल रहेंगे। नव्या अरे मम्मी ये सब बातें होती रहेंगी। मम्मी आपको रेस्ट की जरूरत है, आप मेरे साथ चलिए और वैसे भी मुझे आपको कुछ दिखाना है। चलिए आइए आइए। ये देखिए सरप्राइज सरप्राइज। ये सब कहाँ है? ये आप दोनों ने किया? नहीं ये तो मामू ने किया है। हाँ हमने उनकी हेल्प की है। ये कितना साफ साफ है नानी, अब इसमें ही सोना ठीक है? हाँ और मम्मी आज से आप अपना पूरा ढंग से ध्यान रखेंगी। जानती है मम्मी ये पिछले कुछ दिन हम सबके लिए बहुत मुश्किल हुए। ऑपरेशन आपका हो रहा था पर जान हम सबकी अटकी हुई थी, इसलिए आप और आपका आने वाला बच्चा हम सबके लिए इस दुनिया में सबसे कीमती है। हम जानते थे हमारा आदि बुरा इंसान नहीं हो सका था। हाँ बस गलत रास्ते पर जाके भटक गया है, पर हमें पूरा विश्वास था कि तुम सही रास्ते पर लौट आओगे। मैं भटक गया था लेकिन आपकी सर्जरी ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। आपको खोने के डर ने मेरे जीने का पर्सपेक्टिव बदल दिया, इसलिए मेरी पिछली सारी गलतियों के लिए मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये बेटा फिर से कभी गलत राह में नहीं जाएगा। मिस्टर तिवारी आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, जरा सी भी चूक हुई तो पत्नी और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है मम्मी चलो फ्रूट खाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, आई एम सॉरी पापा। जो दुकान आपकी जिंदगी है मैंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी भी आपकी उम्मीदों में खरा नहीं उतरा, लेकिन एक बात मैं जानता हूं पापा। आइए 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 पापा, किस पूरी दुनिया में मम्मी का सबसे अच्छा ख्याल सिर्फ आप रख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि दुकान या कोई और चीज आपका ध्यान भटकाए, इसलिए आप टेंशन छोड़ दीजिए, आज से सारा काम मैं देखूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
ये दुकान वैसे ही चलेगी जैसे आप चलाते थे, लेकिन पापा दुकान चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है कि रेनोवेशन करना पड़ेगा और नया सामान लाना पड़ेगा, और पापा मैं सही में दुकान चलाना चाहता हूँ। मम्मी ठीक ही तो कह रहे हैं तिवारी जी, और नया जमाना है तो फिर नए जमाने के हिसाब से दुकान बनानी पड़ेगी ना। नव्या तुम पापा को बोलो ना, तुम्हारी वो हर बात मानते हैं, अब इतना सपोर्ट तो डिजर्व करता हूँ ना। पापा जी इस वक्त माँ को आपकी जरूरत है, और आई एम श्योर आदि सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगा। देखा पापा, अब मेरे पास 3 वोट्स हो गए। आदि जी कौन, चुनाव थोड़ी ना चल रहा है जो तुम वोटों की बात कर रहे हो और इकट्ठा कर रहे हो। तिवारी जी दे दीजिए ना 10 लाख रुपए। प्लीज पापा। मम्मी कसम है आप दोनों को हमारी, सच बताइए हमें। क्या बात है सासू माँ, आज तो मैं कायल हो गया आपके तेवर का। अब देखिए इस नाटक को मैं इतना यादगार बना दूंगा कि पूरा तिवारी खानदान इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाया। बताइए मम्मी को क्या आपने क्या किया। पहले इन्होंने सबके सामने मुझे चेक दिया, उसके बाद अकेले मेरे जाके उसे गले लग के मुझे चिढ़ाया, कहा कि उस चेक की मैंने पेमेंट रोक दी है। बताइए मैं क्या करता, क्या बताता मैं सबको ये कि कभी नियत ही नहीं थी मुझे चेक देने की। रेनु तुम चुप हो जाओ, ये बातें बाद में भी कर सकते हैं, समझे। मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम अंदर चलो। मैं संभालती हूँ माँ को, मैं हूँ आपको फिक्र मत कीजिए। आइए माँ, आइए आइए। माँ माँ ये लीजिए पानी पीजिए। काहे कर रहे हैं तिवारी जी ये सब, मान काहे नहीं जाते, सब कछु आदि को दे काहे नहीं देते। माँ प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, इतना अच्छा नहीं है आपके लिए, प्लीज सब ठीक हो जाएगा। ओके आपको बेटर लग रहा है, पानी पी लीजिए। और बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे संग शादी के वक्त। मतलब मुझे पूरा यकीन कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा नहीं किया, बल्कि किसी मेले में से अनाथ आश्रम से उठाकर लाए। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आलोक जी? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम अगर आदि की सगी बहन होती ना तो थोड़ा सा कमीनापन होता तुम, और अगर थोड़ा सा कमीनापन होता ना तो मेरा पल्ला भारी होता। आप ठीक कह रहे हैं आलोक जी, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए भगवान ने मेरी लाइफ में आपको भेजा है। अब आप ही को कुछ करना होगा। करना मुझे ही पड़ेगा, इसीलिए आज शाम को
नव्या और सासू माँ को मैं आदि के कमीनेपन का नमूना दिखाऊंगा, क्योंकि अब ना तो हमारे पूज्य ससुर जी से और ना तो तुमसे कुछ हो पाएगा। अब जो करेंगी ना वो करेंगी हमारी प्यारी सासू माँ। जस्ट वेट एंड वॉच। थक गया, मैं लिटरली थक गया। मारो मुझे। अरे हाथ छोड़ो मेरे, क्या कर रहे हो तुम? सब मुझे कमीना समझते हैं। आई नो कहीं ना कहीं तुम भी मुझ पे शक करते हो। तुम्हें सब झूठ लगता है ना नव्या? नहीं आदि, गलत समझ रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मार पापा जी की मदद करना चाहते हो, अच्छे से जानती हूँ। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पापा जी ने सब क्यों किया। और एक बार तुम उनसे बात तो करके देखो, पापा है वो तुम्हारे, आई एम श्योर वो समझ करेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं करी? पापा मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहते। यू नो व्हाट, कल मैंने उन्हें ड्रिंक पे इनवाइट किया था, उनसे अपनी दिल की बात कहना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि हाँ मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट में मैंने जो किया है ना, और तुमने देखा उन्होंने क्या किया। क्या करूं ना भैया, जब सुधरना चाहता हूं तो कोई सुधरने का मौका नहीं दे रहा है। बिल्कुल अकेला पड़ गया आदि। बेबी ऐसी कोई बात नहीं है, सुनो तुम अकेले नहीं हो, कल भी तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे साथ हूं। जाएंगे और जो तुम नहीं चाहते ना उन्हें भी पता चल जाएगा। तुम कह रही हो मुझे? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम मम्मी को कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि तुम एक अच्छी बहू, और एक अच्छी बहू अपनी सास को क्यों टेंशन देगी, वो भी इस टाइम पे। तो किसी बात का तो है मुझे कि तुम्हें माँ की बीमारी पे कोई दुख नहीं, तुम इस्तेमाल कर रहे हो उनका, फायदा उठा रहे हो उनकी बीमार होने का। तुम्हें तो इस बात का भी अफसोस नहीं कि मुझे पत्नी अपनी जान को इस हरकत के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हो। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना तुम्हारे प्यार की। अपने पति की छोड़ के तुम्हें पूरी दुनिया की पड़ी है। मां नव्या तिवारी, तुमसे यही उम्मीद थी। वेंडा यार, गौतम ये विस्की कितनी स्मूथ है, और मेरी पत्नी नव्या करवाहटी करवाहट पर ही है। आदि, हाँ मैं निकलता हूँ, नहीं तो मेरी बीवी तेरी बीवी की तरह हो जाएगी। चल ध्यान रखो, ध्यान पीजो। गए हमारे घर के सबसे बड़े जासूस मिस्टर आलोक दुबे। बोल लो भाई, तुम भी बोल लो। नीचे पापा जी ने क्लास ले ली, यहाँ तुम सुना रहे हो। सुना नहीं,
संभाल दिया मेरी मम्मी, कैसे सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। सही कह रहा, तुम अपनी मम्मी को मुट्ठी में रखते हो, है ना। पर एक बात समझ में नहीं आई यार, देखो मम्मी पे तो तुम्हारा जादू चल गया पर पापा पे जोर नहीं चलता बिल्कुल भी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पापा जी आखिर तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। अपनी सारी वसीयत बच्चे के नाम पे कर दी जो इस दुनिया में आया तक नहीं है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग घुमा हुआ है। अरे मम्मी आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? आप हम नव्या के लिए दूध लेने आए थे। आप छोड़िए, मैं आप दोनों के लिए लेके आती हूँ, आप रूम में जाइए। अरे प्रीति, उस समय तुम हमें टीवी पे क्या दिखाना चाह रही थी? नव्या कछु बात करने लगी और फिर आदि गिर गया तो हमारे ध्यान से निकल गया। मम्मी हमें आपको ना वो सच्चाई बतानी थी जो अब तक आपसे छुपी हुई है। सच्चाई? हाँ। संभाल, झुको मत। प्रीति वो झुक ना सकेगी, तुम उठा दो। हाँ सॉरी देवो। मम्मी मैं तो खुद हैरान हो गई थी, पता ही नहीं चला था कि ये सच्चाई भी हो सकती है। प्रीति साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। माँ ये पहेलियां बाद में बुझाएंगे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलिए। नव्या एक मिनट, प्रीति हमें कुछ जरूरी बात बता रही है। तो मम्मी क्या हुआ ना, अब तक जो आपसे सच्चाई छुपाई गई थी ना। रेनू, रेनू मुझे लगता है कि तुम्हें ना अस्पताल में एडमिट करना ही पड़ेगा। अरे तुम कमरे में नहीं बैठ सकती अपने क्या? कितनी बार बता चुका हूँ मैं तुम्हें, और बच्चे हैं ना काम करने के लिए, बाकी काम करने के लिए भाई भी रख दिए हैं। बल्कि तुम्हें तो नव्या को समझाना चाहिए कि काम नहीं करे। क्या कर रही हो यार, चलो कमरे पे चलो। हम बस वो प्रीति से कछु बात करे। कोई बात नहीं करनी किसी से, चलो यहाँ से निकलो, इधर आओ मेरे साथ चलो। ये क्या बताने वाली थी अम्मा, आपको पता है ना उनकी तबीयत वैसे ही खराब है, उनको और स्ट्रेस क्यों दे रही है सब बातें करके। नव्या अपना ज्ञान अपने पास रखो, अगर इतनी हिम्मत है ना तो जाके अपने पति को रोको। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम जानबूझकर मम्मी को यहाँ से भेज रही थी ना, मगर मैं भी देखती हूँ तुम कब तक अपने पति को बचा पाओगी। एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी सबके सामने। मम्मी क्या कर रही है? हम अपने बेटे को चलेंगे। कहा निकल गई सारी हेकड़ी, इरादा बदल गया आदि। हाँ एक माँ अपने बच्चे को उससे ज्यादा जानत है, एक माँ ये बात अच्छी तरह से जानत है कि उसका बच्चा किस सीमा तक जा सकता है, का हद है उसकी। और हम तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं आदि। कहा चाहिए तुम्हें, बोलो कहा चाहिए आदि? सब कुछ लिख के दे दिया था ना तिवारी जी ने तुम्हें, फिर कहा है ऐसा जिसके लिए इतनी नफरत तुम्हारे मन में? कहा चाहिए बोलो। जे तिवारी निवास दुकान सब कछु अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, सब कछु अपने ढंग से करना चाहते हो जय ना, तो ठीक है तुम्हारी जे इच्छा भी आज पूरी कर देते हैं। चले जाएंगे हम और तिवारी जी यहां से बहुत दूर, तब तक जब तक कि तुम्हारा जीना भर जाए, सब कछु तुम्हारा, हर फैसला तुम्हारा, जैसा तुम चाहो वैसा करो, चला के दिखाओ सब कुछ, साबित करो खुद को, साबित करो आदि, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना,
जब हम वापस आएंगे तो इस उम्मीद के साथ आएंगे कि हमारा डर हारे और एक मां उसकी परवरिश और उसका विश्वास जीते। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा डर गलत साबित हो और हमारी परवरिश सही। आपकी शर्त मंजूर है मम्मी, आप गलत साबित नहीं होंगी। मुझे नहीं लगता रेनू कि तुम्हारा विश्वास जीतेगा। आदि बहुत दूर जा चुका है। करती हो फिर से बैठ गई तुम, चलो उठो चल। नहीं नहीं तिवारी जी, अब हम और नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, चलो उठो 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 उठो। अच्छा आपको क्या पता एक और जिंदगी का वजन उठा के चलना कितना मुश्किल काम हो गए। हाँ आप क्या समझोगे। अच्छा हाँ सही कह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा करते हैं कल से ना मैं भी दो चार तकिए बांध लेता हूँ ताकि तुम्हारी शिकायत का मौका ही ना मिले। हंस लो हंस लो, उड़ा लो हमारा मजाक आप। नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन तुम खड़े हो खड़े हो, चलो 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 जी। उठो, उठो, उठो जल्दी चलो आओ। अरे गुड़िया चलो चलो हमारे साथ खेलो। नहीं नहीं हम बहुत थक गए, अब आज और नहीं चलेंगे। अरे अरे आंटी चलना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने प्रॉमिस कराया ना मुझसे आप मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलोगी, और मम्मी कहती है प्रॉमिस तोड़ना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल गलत बात। हाँ तो हम प्रॉमिस तोड़ कहाँ रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि आज नहीं कल खेलेंगे। नहीं नहीं आंटी आज हमें खेलना पड़ेगा। अब देखो मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये तुम दोनों के बीच का मामला है, मैं नहीं कुछ जानती। चलो गुड़िया तुम एक काम करो, तुम आगे आगे भागो, आंटी तुम्हें पकड़ेंगे। चलो चलो भागो 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 इस तरफ। तिवारी जी आप भी ना। अरे क्या आप भी ना, चलो। साथ माल फूक फूक ले, थामू तेरी कमर धुआं।
के फिर घूट ले, सांसों से चढ़ेगी तू कष्टो लगा ले, अरे दम बोले दम का हम मजा लूट ले, चंदन ये बदन मत कर तू जतन, हम दम मेरे संग डोरी में तू पतंग, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम, प्रीति पापा कहाँ, मम्मी बंद कर बंद कर बंद कर, खटले आलोक दुबे, तिवारी महानगर पालिका की रेट पड़ गई है, म्यूजिक किसने बंद कर दिया यार, अब ये क्या है, जे का है आदि, होश में आओ, ये घर है कि शराब का अड्डा, हमारे पीछे से तुमने हमारे घर का क्या हाल बना दिया, तुम लोग खड़े हुए शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, दो मिनट के अंदर मुझे अपना घर खाली चाहिए, दो मिनट के अंदर, अगर घर खाली नहीं हुआ ना मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और जेल के अंदर भिजवा दूंगा, पापा ये क्या बदतमीजी है, मेरे दोस्त है, चुप, एकदम चुप, क्या हुआ सुना नहीं तुमने, निकला से बात, चलिए, अरे खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ ना यहां से, आइंदा शक्ल मत दिखाना इस घर में, हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड्स को यहां से निकालने की, हाउ डेयर यू, आज तक अक्की भारद्वाज की पार्टी में ऐसा तमाशा कभी नहीं हुआ, टुडे यू हैव इंसल्टेड मी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, हाउ कैन दे इंसल्ट लाइक दिस, लाइक हाउ, हाउ, लाइक हाउ, छोड़ो मत, नहीं मत छोड़, पैनिक मत करो, मैं इनसे बात करता हूँ, तुम ऐसा ना करो, ठीक है, नो, बात क्यों कर रही है, निकालो इनको मेरे घर से, अकी, तुम ऐसा करो, अकी मैं ऐसा बोलता हूँ, चलो, 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 बस, चलो, मेरे घर से, तुम लोग, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सौदी को तो मैं अभी, पापा, रुकिए, प्लीज मत जाइए, ये आगे को है, आखी को संभालने दीजिए, आखी संग की है मम्मी, वो बहुत खतरनाक है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रही होती है, आप दोनों प्लीज उसके पास भी मत जाइएगा, आदि को अक्की से बात करनी दीजिए, पर ये लड़की इस घर को अपना घर काहे कह रही थी, और आदि इसे हमारे कमरे में काहे लेकर गए, मम्मी अब वो कमरा अक्की का आपका नहीं, आदि आगे मेरी बात सुनो, आगे मेरी बात सुनो, आगे मेरी बात सुनो, मैं इनसे बात करूंगा, ये सब लोग तुमसे माफी मांगेंगे, I promise. But please, baby, तुम परेशान मत हो, please. But है कौन ये idiots? और तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? ये मेरे माँ बाप हैं. लेकिन अब की तुम परेशान मत हो, I'll handle everything. बस तुम पैनिक मत करो, ठीक है? What? Excuse me. आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं डरती नहीं हूं किसी से. And you, कितना कमजोर बेटा पैदा किया है तुमने. बात बात पे हार मान लेता है. I hope कि इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेटा पैदा करोगे तुम. Thank you.
मुझे तो वक्त ही बतावेगा कि कौन कमजोर है और कौन नहीं, और तुम्हारे कह देने भर से हमारा आदि कमजोर नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को तो जे तक ना पता है कि आदि को जीतने की प्रेरणा कहां से मिले। प्रीति जी मम्मी, नव्या को उसके कमरे में लेकर जाओ। जी चलो चलो। वाह वकी, यू आर टू गुड बेब। मैंने कहा था ना रेनू कि आदि बहुत दूर निकल चुका है, जहां से उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसको वापस कैसे लाया जाए। आप जानते तिवारी जी, एक माँ को पिता से ऊंचा दर्जा काहे दिया जावे, क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे का सुख और दुख उसके बोले बिना ही समझ जावे। आदि को हम देख रहे हैं ना, वो हमारा आदि है ही नहीं, और ये बात हम समझ गए, वरना आदि और नव्या के रिश्ते को बचावे का ख्याल हम अपने मन से कब से निकाल देते। क्योंकि आदि अगर हमारा बेटा है तो नव्या भी हमारी बेटी ही है। तो नहीं चलेगी, कहीं मत जाओ, आगे तुम्हें एक सिर्फ जो मुझे समझती है। मम्मी अकी चली तो नहीं गई? आदि कहाँ जा रहे हो? आदि रुको, कहाँ है इस अकी में जो उसके नाम की रट लगाए रह गए हो? कहीं कोई जादू तो मैं तो नहीं करती है उसने हमारे बेटे पे? सर ये वो पेपर्स हैं जो आपने मंगाए थे। हाँ पेन? हाँ तो नव्या, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना? लो, मैंने पेपर अरेंज कर दिए, साइन भी कर दिए, बस तुम्हारा इंतजार है। क्या हुआ, तुम्हें यही तो चाहिए था? आओ साइन करो। कम ऑन,
हमारे जीते जीते कभी नहीं हो सकत। हम ये तलाक कभी नहीं होने देंगे। नव्या, साइन करो इस पे। मैं देखता हूं कि ये तलाक होने से कौन रोकता है। साइन करो नव्या, साइन करो यहां पर। तिवारी जी, नव्या। बहुत बढ़िया नव्या, इस गिरे हुए इंसान के साथ में नहीं रहेगी। बढ़िया जी, आप क्या कर रहे हैं तिवारी जी? क्या है मतलब? मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं और सोच समझ के कर रहा हूं। तुम्हारा बेटा एक गिरा हुआ इंसान है और वो नव्या की जिंदगी नर्क बना देगा। तो फिर क्या करेंगे आप? कहां जाएगी नव्या? कहां रहेगी? कहां जाएगी मतलब क्या? नव्या यहां इसी घर में रहेगी, लेकिन इस कमीने और गिरे हुए इंसान के साथ में नहीं रहेगी, समझी? मैं देखता हूं कि इन दोनों के बीच के तलाक को कौन रोकता है। और एक बार तलाक हो जाए उसके बाद मैं इस आदमी और इसकी माशूका दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तिवारी जी, आप बार बार जिसे जे आदमी कर रहे हैं ना, वो हमारा बेटा है। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरी दुकान को आग लगाई थी, समझे? लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आज भी नहीं सुधरा, अब भी उतनी गिरी हुई हरकतें कर रहा है। और ये सब देखकर अगर आज भी तुम्हें इस पर प्यार और ममता उमड़ रही है ना, तो दिखाओ जो करना है तुम लोगों ने। ठीक कह रहे हो, उमड़ रहा है प्यार, उमड़ रही है ममता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक माँ है और एक माँ के लिए उसका बच्चा देव हो चाहे दानव। शुक्र है भगवान का कि तुम्हें अपने बेटे में दानव तो दिखाई दिया। ठीक है, आपको जो सोचना है आप सोचिए। जैसा भी हो हमारा बेटा, लेकिन हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे और उसकी खुशी के लिए हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम करेंगे। बस तो फिर ठीक है, बधाई दो अपने बेटे को। वही ये डिवोर्स चाहता था। अब मैं देखता हूं कि इन दोनों के बीच में तलाक कैसे नहीं होता। और एक बात बताओ, तुम क्यों नहीं चाहती कि इन दोनों के बीच में तलाक हो? आप तो ये भी नहीं समझ रहे कि एक बार फिर आप अपने बेटे का साथ नहीं दे रहे। तिवारी जी, आज भी आप फिर से वही कर रहे हैं जो आपने सालों पहले किया था। आज भी फिर से दूसरों की सुन रहे, दूसरों की मान रहे, लेकिन अपने बेटे का साथ नहीं दे रहे। और आपके इसी बर्ताव के कारण आज आदि इस हालत में है। लेकिन आप अच्छे से सुन लीजिए, अगर पूरी दुनिया और अपने बेटे के बीच हमें किसी को चुनना पड़े ना, तो हम अपने बेटे को चुनेंगे। सुना आपने? मम्मी, पापा कुछ गलत नहीं कह रहे, मुझे भी इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए। लिया है छुटकारा? ये लीजिए वकील साहब। भूलिए मत, ये घर हमारा भी है। इसे भले आदि और नव्या का तलाक हो जाए, हम भी देखते हैं कि हमारे बेटे को इस घर से कौन बाहर निकालता है। देखते हैं। छोड़ो मुझे। Just chill, babes. ऐसा ही बोले है ना आदि तुमको, है ना? अरे चिंता काहे करती हो, तुम्हें पार्टी करनी है ना, तो हम है ना, हमारे साथ कर लो आज रात पार्टी, हम देंगे पूरा तुम्हारा साथ। रखो इधर, हमें तो लगे है कि आदि जे टेबल ना
पार्टी की सोच के लाया था कि यहाँ बैठ के पार्टी करेगा। तुम लोगों को ऐसे माहौल बनाना पसंद है ना, तो चलो सब सेट हो गया है, पार्टी करते। हाँ, एक चीज की कमी है, म्यूजिक नहीं है, है ना? पर उसके लिए हमें तुम्हारा फोन लगेगा। कहे कि हमारे फोन में जैसे गाने तुम लोगों को पसंद है ना, वो पार्टी वाले होना ही है ना, इसके लिए तुम्हारा फोन चाहिए। चलो निकालो। यही सोच रही हूँ ना कि आदि की प्रेग्नेंट मम्मी और पार्टी करेगी। तुम्हें क्या लगा कि हम वो क्या कहते हैं, आई एम नॉट कूल? चलो चलो, ज्यादा सोचो मत, निकालो निकालो फोन। इतना समय लगाओगी तो कैसे चलेगा? लाओ हम ही चला देते हैं। खोलो बॉटल, अब काहे बैठी हो? हम दे तो रहे हैं तुम्हारा साथ, और हमारा विश्वास करो, हम तुम्हारा कमरा भी तुम्हें दिलवा देंगे, बस आज रात की बात है। हाँ, प्रॉमिस। यू नो व्हाट, आई डोंट ट्रस्ट यू। अगर तुम मेरी साइड हो तो मेरा साथ देके दिखाओ। हाँ हाँ बोलो, कम ऑन, Let's drink with me. हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब पार्टी कर रहे हैं तो पी भी सकते हैं। चलो चलो। माँ आप और शराब, माँ प्रेग्नेंट है, आप जानती ना इससे बच्चे पे बुरा असर होगा। तुम तो रहने ही दो नव्या, बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है, पापा जी की चमची। बस यही दिन बाकी देखने के लिए रह गया था मुकुंद तिवारी के लिए, कि घर की औरतें बाहर वालों के साथ बैठकर घर के ही आंगन में शराब पिए, वो भी रात रात भर बैठकर। आप सब लोग जाइए और सो जाइए। ये औरत नव्या, ये औरत ना गंधारी बन गई है, गंधारी पुत्र मोह में, आंखों पे पट्टी बांध लिए इसने, कुछ दिखाई नहीं देता, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इससे, हैं? हम सब जानत हैं कि बच्चे का कैसे ख्याल रखना है, हम कुछ ना होने देंगे। खोखली हो गई हो तुम रेनू, खोखली। देखो और कुछ बोलना बाकी है? आप हमें ज्यादा ज्ञान ना दे तिवारी जी तो ही अच्छा है, समझे के नहीं? सच में जानत है कि जो बच्चा बड़ा हो गया है उसका ख्याल कैसे रखना है, और जो बच्चा हमारे पेट में है उसका ख्याल भी कैसे रखना है। बेब्स, हम दोनों एक काम कराते हैं, हम चलते हैं वो क्या बोलते हो तुम लोग अंग्रेजी में छत को, टेरेस। हाँ टेरेस पे, वहां चल के हम दोनों माहौल बना के साथ में बैठ के पार्टी करते हैं और जे पी भी लेंगे। हाँ हमें कौन डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ तो बहुत लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए, क्या कहती? ओके लेट्स गो। लेट अस गो। ठीक। हाय भला कोटाल तू प्रभु, हाय भला कोटाल, राधे राधे। बुखार है, उठिए भाई, आराम से बैठिए। आपने शराब पी? हाँ, अक्की का विश्वास जीतने के लिए उसने हमसे जो शर्त रखी हमें माननी पड़ी। अक्की, अक्की, अक्की,
चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने मम्मी को शराब पिलाई? हाँ पिलाई तो। अकी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? शट अप, चिल्लाओ मत। तू ना चिल्लाओ, मेरी माँ है, तुम्हें नहीं दिख रहा हूँ प्रेग्नेंट है, तुम दारू पिला दोगी। So what? What a big deal? और मैंने तो उनको सिर्फ बोला था। What a big deal? मेरी माँ को कुछ हो जाता कौन जिम्मेदारी लेता? चिल्लाओ मत, ऐसे मुझसे बात मत करो आदि। पापा माँ ठीक तो है ना? आदि ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? पापा चलिए चल के देखते। मैं ये माँ बेटे और गर्लफ्रेंड के बीच में पड़ने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी आजकल रेणुका ने मेरी बात सुननी बंद कर दी है, और उससे बात करके मैं बेइज्जती नहीं कराना चाहता अपनी। पता नहीं कैसी होगी रेनू, वो सही सलामत हो बस। आदि, ओह माय गॉड, आदि, ये क्या हो गया तुम्हें? कितना कितना मारा है उन लोगों ने तुम्हें? क्या जरूरत थी ऐसे वहां जाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे तो कितनी टेंशन हो गई थी तुम्हारी। तुम बिना सोचे समझे चल दिए गुंडों से लड़ने। दिखाओ मुझे, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगा? जे सब कब हैगा? चलो जी जाए कब है, जैसी करनी वैसी भरनी। साधु बुढ़िया यू जस्ट शट अप। एक्चुअली मैं तुमसे ज्यादा अपसेट हूँ, तुमने एक बार भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और चल दिए गुंडों से लड़ने अकेले। एंड यू, मुझे लगा था आप उम्र में बड़े हो, आप में तो थोड़ा दिमाग होगा, बट नहीं, आप तो बहुत भोले निकले। आपने भी नहीं सोचा और चल दिए बेटे के पीछे पीछे। है ना आदि, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, स्मार्ट हो, एजुकेटेड हो, बट मुझे टेंशन में देख के पागल से हो जाते हो, कंट्रोल खो देते हो अपना। बस ऐसे ही चले गए तो और क्या करता आदि? अब इतना बड़ा नुकसान हुआ था, जे खबर सुन के कोई भी परेशान हो जाएगा, इसीलिए परेशान होकर चला गया वहां पे। बट ऐसे केसेस में स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। अब जो हो गया वो हो गया, इट्स ओके। आदि, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, ये बिजनेस हमने साथ में स्टार्ट किया था, अब लॉस हो या प्रॉफिट आई डोंट केयर। जे कौन सा नया स्वांग रच रही है जे लड़की? I'm so sorry, Dad. I know आप मुझसे गुस्से में हो, आपको जितना डांटना है डांट लीजिए मुझे, बट आई एम इन ट्रबल, मुझे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आई प्रॉमिस मैं आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी, बट अभी इस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे कुछ फंड्स चाहिए। अगेन सॉरी पापा, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू, बाय। आदि, पापा बहुत गुस्से में थे बट मैंने उनको मना लिया, वो पैसे देने के लिए रेडी हो गए। पापा बहुत डिसअपॉइंटेड थे, उन्होंने मुझे कहा है कि ये मेरा लास्ट चांस है, पर यू नो ना कि ये मैं सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। राम 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 राम। हम आदि के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं तिवारी जी। मुझे तो लगा था कि इस घर में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आदि की बीवी है, पर मैं गलत थी शायद। यहाँ तो माँ बीवी से भी बढ़कर है। अगर मुझे आदि को कंट्रोल में रखना है तो उसकी माँ की गुड बुक्स में रहना होगा। हाँ, अब जयमाला तोरण बना के मंदिर के चारों तरफ लगवाए दे, हैं? और फूलन की गिनती कर लेना, 1000 एक फूल होने चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। जी बौजी जी, फूल का है जी। जी माँ, वो आपकी गोद भराई प्लान करना चाहती है, तैयारियां सारी मैं कर दूंगी।
तुम्हें कछु करने की कोई जरूरत नहीं है नव्या। ऊपर से तुम्हारे पापा जी, उन्हें तो ये सब कतई रास ना आने वाला, तो तुम तो रहने ही दो। माँ, झगड़ा आपके और पापा के बीच है ना, तो मुझे क्यों पीस रही है? मेरी खुशी तो मुझसे मत छीनिए। आपकी खुशी के लिए मैं करना चाहती हूँ। मधु की गोद भरे याद है कितने जैसे प्लान की थी इसी आंगन में, उससे भी बड़ी आपकी गोद भराई प्लान करना चाहती हूँ। राधे राधे, जीती रहे मेरी बच्ची, बंसी वाला तो सारी मनोकामना पूरी करे। ओह प्लीज, आदि के मोम की गोद भराई है, इतनी छोटी सी जगह में, और ऊपर से आप लोग मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाने की बात कर रहे हो। नो नो नो, रेनू जी, आई एम सो सॉरी। जब आप लोग यहाँ आए तो मैंने आप लोगों से बहुत बुरा बर्ताव किया, पर अब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि आप अपने बेटे को कितना प्यार करते हो। यू लव हिम अ लॉट, और आदि भी आपकी बहुत केयर करता है। सो मेरे बुरे बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपके स्पेशल डे पे आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ।